नंबर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डिवीजन बाय 11, तो डिवीजन बाय 11 हमें देखना है इवन प्लेस नंबर को और ऑड प्लेस नंबर को आपस में सबट्रैक्ट करना है। तो देखो है जो 11 नंबर देखो तो इसके बाद एक छोड़ के कौन सा नंबर दूसरा नंबर, तो 5 + 4 इसको माइनस करना है किसके साथ 4 और 5 के साथ 4 + 5, तो ये आ गया हमारा 9 - 9 - 9 कितना आता है 0। अगर ये 0 आता 11 आता 22 आता 23 इसका मतलब 11 के मल्टीपल्स या 0 आता तो वो क्या होता है डिविजिबल बाय 11 होता, तो ये कितना आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 11, यहां लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये हमारा एक ए पार्ट हो गया, ऐसे हमारा बी पार्ट देखते हैं, दो तीन पार्ट में बता रहा हूं, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। एक और सा नंबर है डी पार्ट देख लेते हैं, अगर डी पार्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी पार्ट आप बना लेंगे। तो 7 0 1 6 9 3 0 ये बच जाएगा, माइनस करना है जो नंबर बच गए, कौन सा बच गया 0 बच गया, प्लस करके 6 प्लस करके 3 और प्लस करके 8। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, या 0 आए या 11 या 11 का मल्टीपल है, देखो 7 + 1 = 8 8 + 9 = 17 माइनस 6 + 3 = 9 9 + 8 = 17, तो 17 से 17 माइनस में कितना है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल बाय 11 था, ये भी डिविजिबल, कोई अगर नहीं आता जिसमें माइनस करने के बाद 0 या 11 के मल्टीपल्स नहीं आते तो वो हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बाकी पार्ट आपने बनाने हैं इसके 4 तक का, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग कल को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।